हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने आपका पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बेसिक टर्म को पढ़ा था, ठीक है। और मैंने कहा था कि आपकी पीरियोडिक टेबल पूरी खत्म हो चुकी है, लेकिन पीरियोडिक टेबल के बारे में एक और टॉपिक आपको बच जाता है, नेचर ऑफ ऑक्साइड। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में आपको जब क्वेश्चन आप लगा रहे होंगे तो आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन मिल रहे होंगे कि इन ऑक्साइडों को एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में सेट करो, बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में सेट करो। तो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सेट तभी हम कर पाएंगे जब एक टॉपिक होता है आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम नेचर ऑफ ऑक्साइड पढ़ते हैं, ठीक। नेचर ऑफ ऑक्साइड में आज हम पहला पढ़ेंगे आपका एसिडिक ऑक्साइड। और मैं यहाँ पे आपको जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं उन सभी एसिडों की एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सेट करने का रूल यहीं पे बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल पीरियोडिक टेबल में जो है आपका सिर्फ नॉन मेटल के ऑक्साइडों का ही एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा गया है, लेकिन मैं यहाँ पे सबका बता दूंगा, आपका ऑक्सी एसिड का भी बता दूंगा, हाइड्रा एसिड का बता दूंगा, क्योंकि सबके रूल जो होते हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो सारा एक जगह पढ़ लेंगे तो हमें याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका एसिडिक ऑक्साइड, ठीक। देखिए एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और साथ ही साथ वाटर में डिजोल्व करने पे ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं, ठीक है। ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बेस एंड ऑन डिजोल्विंग इन वाटर इट फॉर्म्स ऑक्सी एसिड, ऐसे कंपाउंड आपके क्या कहलाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड कहलाता है, ठीक है। और इसका ये बिहेवियर मैं इस लेक्चर के बाद इनकी रिएक्शन में बेस और वाटर के साथ करा दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, बहुत बार पूछा गया है एडवांस में, आईआईटी में भी पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है, तो इसको मैं इसके बाद करा दूंगा, ठीक है, इसका रूल होता है। तो पहले हम एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं इनका वाटर और बेस के साथ रिएक्शन बता दूंगा, ठीक। दूसरी बात देखिए, आप ये तो जानते होंगे कि नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं और मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, और कुछ मैंने नॉन मेटल के ऑक्साइडों का एग्जांपल दे दिया, SO2, SO3, ये सब है, P4O10, P4O6, SiO2, ये सारे आपके क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक। इन्हीं में ही आपका एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछता है, और किन कंपाउंड में पूछता है, और दो टाइप के एसिड और होते हैं आपका, ऑक्सी एसिड और हाइड्रा एसिड, ठीक है। इनमें भी आपका एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछता है, ठीक। तो ऑक्सी एसिड कैसे कंपाउंड होते हैं, ऑक्सी एसिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें नॉन मेटल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ऐसे कंपाउंड जिनमें नॉन मेटल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ऐसे कंपाउंडों को हम ऑक्सी एसिड कहते हैं। जैसे कि ये देख लीजिए, HClO4, HClO3, HNO3, ये सारे आपके क्या है, ऑक्सी एसिड है, ठीक। हाइड्रा एसिड कैसे कंपाउंड होते हैं, हाइड्रा एसिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता है, नॉन मेटल के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा होता है। जैसे देख लीजिए CH4, HCl, HBr, HI, ऐसे कंपाउंड जो होते हैं आपके हाइड्रा एसिड होते हैं। तो ये तीन टाइप के एसिड को आप याद रखिएगा, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं, ऑक्सी एसिड क्या है और हाइड्रा एसिड क्या है, इन्हीं में ही आपका एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछता है, ठीक। तो चलिए हम रूल पढ़ते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इनका हम कैसे सेट करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सी एसिड और एसिडिक ऑक्साइड मतलब नॉन मेटल के ऑक्साइडों का जो रूल होता है निकालने का एसिडिक स्ट्रेंथ का, वो सेम होता है। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का बहुत रूल होता है, लेकिन हम वो रूल पढ़ेंगे जो मैक्सिमम केसों में अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये रूल जो है, हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ, ये रूल जो है मैक्सिमम केसों में अप्लाई हो जाता है, एक्सेप्शन एक दो जगह आता है, तो हम वही रूल पढ़ेंगे जो मैक्सिमम केसों में अप्लाई हो जाता है। जहां एक्सेप्शन आता है वहां मैं आपको बता दूंगा, ठीक। वैसे देखिए तो ऑक्सी एसिड और एसिडिक ऑक्साइड के लिए क्या रूल है, हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो चलिए सेट करते हैं, जैसे कि ये आपका ऑक्सी एसिड दे दिया है, ठीक है। तो ऑक्सी एसिड में मैंने क्या बोला, जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सेट करने दे तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला कंपाउंड, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा आपका, +7 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 होती है, हाइड्रोजन की +1 होती है, 4 × 2 = 8 और एक प्लस है तो माइनस कर देंगे तो +7 आ जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5 है, यहाँ पे कितना है, +3 है, यहाँ पे कितना है आपका, +1 है। तो मैंने क्या कहा, हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ, एक्सेप्ट कितना किसका है, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ये बहुत VIP है, इसको मैं बाद में अभी बताऊंगा आपको। फॉस्फोरस के केस में ये रूल अप्लाई बस नहीं होता, बाकी सबके केस में अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। और इन्हीं कंपाउंडों को ही आपको जे एडवांस में इस टाइप से दे दिया था, ऑक्सीजन को बस एक बीच में कर दिया था, HClO4 को इस टाइप से दे दिया था, HOClO3 इसको दे दिया था इस टाइप से, इसको दे दिया था इस टाइप से, तो कंफ्यूज मत हो जाएगा। इसी कंपाउंड में आपको एटम्स की प्लेस को एक्सचेंज करके भी आपको दे देता है आपको कंफ्यूज होने के लिए।
तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, उनमें भी ऑर्डर यही होगा। ठीक, HNO2 HNO3 में देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, प्लस फाइव है, यहाँ पे कितना है, प्लस थ्री है, तो हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर विल बी द आपका एसिडिक स्ट्रेंथ। इनमें देख लीजिए आपका HClO4, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, प्लस सेवन है, HNO3 में नाइट्रोजन का प्लस फाइव है, H2SO4 में सल्फर का प्लस सिक्स आपका है। आपका ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालने आता है ना भैया, यार नहीं भी आता है तो यहाँ पे इतना जान लो, इसका माइनस टू होता है ऑक्सीजन का, यहाँ हाइड्रोजन का प्लस टू होता है, और इक्वल करके आप निकाल लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना आना ही चाहिए। यहाँ पे कार्बन का प्लस फोर है, तो देखिए जिसकी ज्यादा है उसको पहले लिखेंगे, तो इसकी सात है, इसकी छह है, इसकी पांच है, इसकी चार, तो ऑर्डर कैसा हो जाएगा, बस इनकी प्लेस को एक्सचेंज कर दीजिए। जैसे कि आपको यहाँ आपका एच एन ओ थ्री आ जाएगा, यहाँ पे आपका एच एन ओ थ्री आ जाएगा, यहाँ एच टू एस ओ फोर आ जाएगा, ठीक है, तो ऑर्डर आपका ये हो जाएगा, यहाँ प्लस फाइव है, यहाँ प्लस सिक्स है, ठीक है, ये भी मैक्सिमम केसों में अप्लाई हो जाता है। और भैया ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला भी फंडा नहीं है, यहाँ पे आ जाता फॉर्मल चार्ज, जिस सेंट्रल एटम पे फॉर्मल चार्ज जितना ज्यादा होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, मेन रूल मेन जो रीजन होता है ये होता है, तो फॉर्मल चार्ज तो अभी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि स्ट्रक्चर जब तक आपको बनाना नहीं आएगा तब तक फॉर्मल चार्ज आप निकाल नहीं सकते। तो इस लेक्चर के जस्ट बाद, मतलब नेचर ऑफ ऑक्साइड पढ़ाने के जस्ट बाद, मैं आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंडों का स्ट्रक्चर बनाने का रूल बताऊंगा कि ऑक्सी एसिड ऑक्साइडों का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप सीख लेंगे तो आपको फॉर्मल चार्ज निकालना आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भी देख लीजिए, अगर मान लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, ब्रोमीन की, आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो जब भी अगर ऐसे कंपाउंड आ जाए कि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो जाए तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कीजिएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो तो दूसरा फैक्टर अप्लाई कीजिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो आप जानते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज्यादा होती है आयोडीन से, ठीक, अब भैया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के ही दूसरा आइटम होता है उसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मत चेक करने लगना। ठीक, तो ये हो गया आपके ऑक्सीजन। ठीक, अब मैंने यहाँ क्या बोला, एक्सेप्ट ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, इनके केस में आपका रूल अप्लाई नहीं होता, क्यों नहीं होता, आइए बाद में बताता हूँ। फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड जो तो होते हैं वो वी आई पी होते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक, तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, इनमें आपके तीन टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछता है, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ देता है इनकी, ठीक है, दूसरी चीज इनकी बेसिसिटी पूछता है आपका, और तीसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपका जे एडवांस में 2013 में पूछा था, तीसरी चीज पूछता है विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, पूछता है इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, और ये तीन पॉपुलर क्वेश्चन है इनके, आ चुके हैं आपके जेई एडवांस में भी, दोनों तीनों कैटेगरी आपकी जेई एडवांस में आ चुकी है, तो आपकी कभी भी पूछ सकता है इसके बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए तीनों को कैसे निकालते हैं देख लेते हैं, इन तीनों का आंसर है आपका इनके स्ट्रक्चर में छुपा हुआ है, एस थ्री पी ओ फोर, हम जानते हैं तीन ऑक्साइड ऑक्सी एसिड होते हैं फॉस्फोरस, एस थ्री पी ओ थ्री और आपका एस थ्री पी ओ टू, ये तीन ऑक्सी एसिड होते हैं फॉस्फोरस के, इनमें आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछता है। ठीक, तो पहले हम इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ओ एच ओ एच, इनके स्ट्रक्चर बनाने का रूल होता है, ठीक है, आप भी ऐसे बना लेंगे, इसके जस्ट बाद ही मैं आपको स्ट्रक्चर बनाने का रूल बताऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए, आप भी ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे। तीन ऑक्सीजन कवर हो गए, आपके दो हाइड्रोजन कवर हो गए, एक हाइड्रोजन बच गया, तो यहाँ पे लगा दो फॉस्फोरस डायरेक्टली ऑक्सीजन ओ एच एच एच, ठीक है। इसका देखिए एक्सप्लेन करने का जो मेन रीजन होता है वो क्रॉस कंजुगेशन होता है, मतलब रेजोनेंस से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, बट रेजोनेंस अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया तो रेजोनेंस आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं सिंपल वे आपको बताता हूँ। ठीक, आप ये जानते होंगे कि जो कंपाउंड जितनी आसानी से H+ निकाल देता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक,
तो यहाँ पे इस कंपाउंड में आपके तीन ऐसे लीकेज है, आप जानते होंगे कि सन से जुड़ा, SON से जुड़ा और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा, ठीक है, इनसे जुड़ा हाइड्रोजन जो होता है आपका एसिडिक होता है, ठीक। तो यहाँ ऑक्सीजन से तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं तो तीन एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास है, मतलब तीन हाइड्रोजन ये निकाल सकता है। यहाँ दो हाइड्रोजन जुड़े हैं तो मतलब ये दो निकाल सकता है, यहाँ एक ही है तो यहाँ एक निकाल सकता है, ठीक। तो इन तीनों में कौन अपना हाइड्रोजन आसानी से निकाल देगा, एक बात याद रखिए, कंफ्यूजन जितना कम एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। देखिए इसके पास एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक, और इसके पास दो है, इसके पास तीन है, जब निकलने की बारी आएगी तो भैया इसके पास एक है तो यह तो आसानी से निकल जाएगा, भैया इसके पास दो है तो ये बोलेगा हम पहले निकले, तो ये बोलेगा हम पहले निकले, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन जो होता है वो अनस्टेबल होता है, तो इन दोनों में झगड़ा होगा। यहाँ पे तो तीन तीन है भैया, तो तीन तीन झगड़ा करेंगे, तो इन सब कंपाउंड में हाइड्रोजन निकलने में कंफ्यूजन है, इसमें सबसे ज्यादा उसमें और इससे कम इसमें है, और इसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं है। तो भैया इस बात को याद रखिए कि कंफ्यूजन जितना कम एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा, ये अपना H+ आसानी से निकाल देगा। मेन रीजन जो होता है आइए उसको भी मैं बता देता हूँ, जो कॉन्जुगेशन के बारे में जानते हैं, एक H+ को निकाल दीजिए सब में से, ठीक। अब देखिए नेगेटिव चार्ज जो है रेजोनेंस में है, यहां से भी इसका लोन पेयर भी यहां से रेजोनेंस में है, और इसका भी लोन पेयर यहां से रेजोनेंस है, तो यहां से जब भी ऐसा कंपाउंड आता है कि दोनों तरफ से आपका रेजोनेंस होता है तो इसे हम क्रॉस कंजुगेशन कहते हैं, ठीक है। और क्रॉस कंजुगेशन से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आपका एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है कंपाउंड में, नेगेटिव चार्ज एक ही जगह इकट्ठा हो जाने से आपका क्या होता है कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जब डीलोकलाइज करता है तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और नेगेटिव चार्ज अगर एक जगह इकट्ठा हो रहा है तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम होती है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होगा वो ये होगा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ का भी जो ऑर्डर होगा आपका यही होगा, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, वैसे मत याद रखिए, कंफ्यूजन जितना कम एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम बता दिए। बेसिसिटी क्या होती है यार, बेसिसिटी सिंपली यही होती है कि नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, किसी कंपाउंड में जितने एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं वही उस कंपाउंड की बेसिसिटी होती है, ठीक है। तो इसके पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन थे आपके, ये हमने निकाल दिया, सन से जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक होता है आप याद रखिएगा, तो ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन होगा, तो एक दो तीन, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, तीन बेसिसिटी है, इससे दो ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन है, इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। इसके पास एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, ठीक। तो एसिडिक स्ट्रेंथ पता चल गया, बेसिसिटी पता चल गया, अब तीसरी बात क्या आपको पता करना है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो इसके लिए भैया एक रूल याद रखो, रूल ये है कि सेंट्रल एटम से डायरेक्ट जुड़ा, ऐसा सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अगर ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक, और उसी सेंट्रल एटम से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा है, इस टाइप का अगर किसी कंपाउंड में लिंकेज हो ऑक्सी एसिड के केस में या फिर इनऑर्गेनिक एसिड के ऑर्गेनिक एसिड के केस में भी, ठीक है, इस टाइप का कोई लिंकेज हो कि सेंट्रल एटम से ऑक्सीजन जुड़ा है ऐसे डबल बॉन्ड से और उसी सेंट्रल एटम से डायरेक्टली जुड़ा हाइड्रोजन है, तो इस टाइप का कंपाउंड जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, इस टाइप का कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट होता है इनके बारे में। और जैसे जैसे सेंट्रल एटम से नंबर ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ऐसे कंपाउंड की रिड्यूसिंग पावर भी आपकी बढ़ती जाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लीजिए, इसके पास देखिए ये लिंकेज है, ठीक, इस कंपाउंड के पास, इस कंपाउंड के पास भी देखिए ये लिंकेज है, ठीक, इसके पास है, इसके पास नहीं है, ठीक। तो ये दोनों ऑक्सी एसिड और फॉस्फोरस में ये दोनों जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, मैंने क्या कहा, जैसे जैसे सेंट्रल एटम से डायरेक्टली हाइड्रोजन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ सेंट्रल एटम से देखिए डायरेक्ट दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ एक ही जुड़ा हुआ है, तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट का भी ऑर्डर हो जाता है इनमें। तो जेई एडवांस 2013 में यही क्वेश्चन आया था कि H3PO4 और H3PO3 के बारे में आपको चार ऑप्शन दिया था। पहला ऑप्शन ये था कि H3PO4 जो होता है आपका डाइबेसिक एसिड होता है और रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दूसरा ऑप्शन ये था कि H3PO3 आपके ट्राइबेसिक एसिड है और रिड्यूसिंग एजेंट है। तीसरा ऑप्शन ये दिया था H3PO3 आपका रिड्यूसिंग एजेंट है और डाइबेसिक एसिड है। और चौथा ऑप्शन जो दिया था H3PO3 आपका डाइबेसिक एसिड है और नॉन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो भैया इनमें ऑप्शन में सही क्या होगा, H3PO3 आपका डाइबेसिक एसिड है और साथ ही साथ रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऑप्शन यही सही होगा। देखिए डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक का मतलब है
इसकी दो एसिडिक हाइड्रोजन है इसके पास, तो बेसिसिटी इसकी कितनी हो गई, दो हो गई। और आपका ये इस टाइप का लिंकेज है, इसलिए आपका ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो 2013 में आया था क्वेश्चन, आप उसको देख लीजिएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिसिटी और विच इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, ऑक्सीएसिड ऑफ फॉस्फोरस के बारे में ये याद रखिएगा, ये हमेशा पूछ देता है। ठीक है, तो ये आपके सारे हो गए ऑक्सीएसिड के बारे में। अब चलिए ऑक्साइडों का देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्साइडों के केस में भी यही रोल अप्लाई हो जाता है। आइए ऑक्साइडों का देख लेते हैं। चलो अब ऑक्साइडो और हाइड्रा एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो ऑक्साइडो, कुछ ऑक्साइडो का मैंने एग्जांपल दिया है, ठीक, इसमें देख लेते हैं। इनमें भी वही चेक करना, एसिडिक ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की जिसकी ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। एक जगह एक्सेप्शन है, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, वैसे चेक करने के लिए यार एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत सारे फैक्टर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये फैक्टर मैक्सिमम केस में अप्लाई हो जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, तो यहाँ +5 आ रहा है नाइट्रोजन का, यहाँ कितना आ रहा है +4 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है +3 आ रहा है। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ठीक, Cl2O7 में देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की कितनी आ रही है, 7 आ रही है। यहाँ पर नाइट्रोजन की कितनी आ रही है, 5 आ रही है। सल्फर की यहाँ कितनी आ रही है, 6 आ रही है। यहाँ पे कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो करना क्या है, इसको चेंज कर दो, 5 वाले को इधर कर दो, 4 6 वाले को उधर कर दो। तो यहाँ N2O5 हो जाएगा N2O5, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा SO3। तो ऑर्डर आपका तुम्हारा ये हो जाएगा, यहाँ +5 है, यहाँ +6 है। ठीक, यहाँ पे देखो क्या होता है, ऑक्सीजन में तो -2 है, यहाँ पे यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन का, यहाँ पे ब्रोमीन का कितना है +3 है, सल्फर के यहाँ +6 है, कार्बन के यहाँ कितना है +4 है। ठीक, तो ऑर्डर कैसे सेट करोगे तुम, इनका ऑर्डर कैसे है, पहले नंबर पे ये हो जाएगा, दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा, तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा, चौथे नंबर पे ये हो जाएगा और पांचवें नंबर पे ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये एक VIP है, यहाँ पे थोड़ा दूसरा ऑर्डर लग जाता है, दूसरा रूल लग जाता है कि ये जान लो कि सल्फर के जो भी ऑक्साइड होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस के ऑक्साइड से। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड में देखो तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल से देखा तो ये ज्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू इसके, लेकिन ऐसा नहीं होता है, SO2 ज्यादा एसिडिक होता है इससे P4O10 से। तो ये एक एक्सेप्शन वाली बात हो जाती है, बाकी सब में ये फैक्टर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला फैक्टर अप्लाई हो जाता है, सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है फॉस्फोरस से, तो इसलिए सल्फर की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस, क्योंकि आपके जिसकी एसिडिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है उसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो ज्यादा होगी। तो इनके केस में क्या होता है, जो ऑर्डर आपका ये हो जाता है। तो सल्फर के बारे में याद रखिएगा, चाहे SO2 हो या SO3 हो, वो ज्यादा एसिडिक होता है P4O10 से या P2O6 से। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए। तो ये आपके हो गए ऑक्साइड के केस में एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कीजिएगा और इस बात को याद रखिएगा, एक एक्सेप्शन है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि हाइड्रा एसिड के केस में आपका एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे। तो हाइड्रा एसिड के केस में आप जान लीजिए सिंपल ट्रेंड होता है, आपको अगर आपको हाइड्रा एसिड देगा तो इन्हीं कंपाउंड के हाइड्रा एसिड देगा, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन और ये हेलोजन फैमिली के, इन्हीं कंपाउंडों को देख के आपको एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछेगा। ठीक है, तो इनमें सिंपल ट्रेंड जान लीजिए, तो कार्बन से लेके फ्लोरीन तक बढ़ती है, फिर फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक बढ़ती है हाइड्रा एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, मतलब ऐसे बढ़ती है। ठीक, ऐसे करके फिर भी आपको कोई ऐसा रूल पूछ दिया कि सेम पीरियड के लिए क्या रूल होगा, अगर सेम पीरियड के हाइड्रा एसिड दे दिया, जैसे कि ये देखिए कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये सारे कितने हैं सेम पीरियड के एलिमेंट है, तो इनके लिए क्या आपका एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का रूल हो जाएगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेंट्रल एटम, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है इसलिए इसके एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन, अगर सेम पीरियड का दे दिया। ठीक है, अगर सेम ग्रुप का दे दिया आपको तो सेम ग्रुप के रूल में क्या अप्लाई होता है, सेम ग्रुप के लिए क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो साइज ऑफ एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब एटम के साइज जितना बड़ा होगा आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो ये देखिए सेम ग्रुप के एलिमेंट है और इनमें सबसे बड़ा साइज किसका, आयोडीन का,
आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्यों ज्यादा है रुकिए मैं बता देता हूँ आपको, एसिडिक स्ट्रेंथ इनके केस में क्यों ज्यादा है। ठीक, देखिए जैसे कि ये एच एफ बॉन्ड मान लीजिए, ये एच सी एल बॉन्ड, ये एच बी आर बॉन्ड और ये एच आई बॉन्ड। ठीक है, आप जानते होंगे कि अगर एटम की साइज छोटी होती है तो इफेक्टिवली स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है। स्ट्रांग बॉन्ड बनाने के कारण की बॉन्ड लेंथ जो होती है छोटी होती है, और एटम की अगर साइज बड़ी है तो वो आपका वीक बॉन्ड बनाते हैं। वीक बॉन्ड बनाने का मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, और हम कहते क्या है, वे कंपाउंड जो एच प्लस आसानी से निकाल दे उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो आप ये बताइए कि बॉन्ड जिसका मजबूत होगा वो अपना एच प्लस आसानी से निकालेगा, कि जिसका बॉन्ड वीक होगा वो अपना एच प्लस आसानी से निकालेगा? भैया जिसका बॉन्ड वीक होगा वही एच प्लस आसानी से निकालेगा। तो साइज बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो एच प्लस आसानी से निकाल देगा, एच प्लस आसानी से निकाल देगा तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो हाइड्रा एसिड के केस में ये सिंपल ट्रेंड याद रख लीजिएगा, ये याद रहेगा तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सेट कर लेंगे। और पीरियड और ग्रुप में आपका पूछ दे तो पीरियड और ग्रुप के लिए तो ये रूल होता है, तो आप इसको बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ देखो यार बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, आपके फॉर्मल चार्ज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो फैक्टर था मैक्सिमम केस में अप्लाई हो जा रहा था, इसलिए मैंने उससे बता दिया। कुछ एक्सेप्शन था जो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, उसे ध्यान में रखना, बाकी सब आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया आपका एसिडिक ऑक्साइड। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे यार एसिड की बेस और वाटर के साथ में रिएक्शन, फिर पढ़ लेंगे हम आपका बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।